लॉन्ग टर्म में तो जी देखिए हमें दो चीजों पे, दो तीन चीजों पे बुनियादी तौर पे काम करना होगा। हमारे पास अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे मुल्क में आउट ऑफ स्कूल हैं। आप जब तक आप हेल्थ मसाइल को, आप अपनी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज को, टीचर ट्रेनिंग की शॉर्टेज को, आप अपने उन बच्चों के साथ हम जब तक बतौर रियासत इंसाफ नहीं करेंगे, हमारी ग्रोथ, हमारी मईशत, हमारी प्रॉस्पेरिटी, मेरे नजदीक हम जब तक हम उनको फेल करते रहेंगे तब तक। और मैं ये इज्तमाही बात कर रहा हूं जी कि हमें ऐसा क्यों है कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो उसमें एक इज्तमाही गवर्नेंस, ये हमारी एक चीज है जो एक इमरजेंसी है मेरे नजदीक। इसको जब आप एड्रेस करेंगे, सारे बच्चों को तालीम का मौका देंगे, उनको अच्छी गजा देंगे, साथ साथ आपकी तालीम का मयार बेहतर होगा, तो आपकी हमारे पास लेबर फोर्स तो बहुत है मगर उसकी हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकेंगे और प्रोस्पेक्टिव बढ़ाएंगे। और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी के साथ है। फिर साथ साथ आपने देखा कि हमारे स्टंटेड ग्रोथ के मसाइल हैं, हमारे पानी की क्वालिटी के मसाइल हैं, ये चीजें जुड़ी नहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इसी तरह आप जिस तरह बांग्लादेश में आपने देखा है कि वेमन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बिल्कुल एक की फैक्टर है, तो मेरे नजदीक लॉन्ग टर्म में हमें इस तरह के फैक्टर्स देखने होंगे।